नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ। इस समय मैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हूँ और यहाँ से मैं एक छोटी सी यात्रा लोकल ट्रेन में करने वाला हूँ डोंबिवली तक। तो हमारी लोकल गाड़ी कल्याण जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से निकल चुकी है और हमारी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। सामने आप देख सकते हैं दीवा वसई पैसेंजर ट्रेन जो कल्याण यार्ड से दीवा की तरफ जा रही है, आप देख सकते हैं। और सामने भी आप देख सकते हैं कल्याण रेलवे यार्ड का नज़ारा, जहां पर WDP-4D और कई ढेर सारे इंजन खड़े हैं और हमारी गाड़ी जो धीरे धीरे की तरफ बढ़ती है। हम इस समय फास्ट ट्रेन में हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जाएगी, लेकिन मेरा जो गंतव्य स्थान है वो डोंबिवली है। कल्याण में मैं आया था अपने किसी काम से, काम होने के बाद मैं घर की ओर जा रहा हूँ और मैं डोंबिवली में रहता हूँ। सामने एक बार जिसे आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइन से कंटेनर वाली माल गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये कल्याण यार्ड जो है काफ़ी बड़ा यार्ड है और यहाँ पर कल्याण लोको शेड भी है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव की सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी की जाती है। और ये काफ़ी पुराना यार्ड है, कल्याण जंक्शन का अपना एक इतिहास है और कल्याण जंक्शन पर लंबी दूरी की तकरीबन सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकती हैं। कल्याण जंक्शन से दो लाइन निकलती है, पूना की ओर और एक नासिक की ओर, यानी कि आप उत्तर भारत भी कह सकते हैं और दक्षिण भारत भी कह सकते हैं। मैं जब भी अक्सर गांव आता हूँ तो मैं कल्याण जंक्शन से ही अपनी गाड़ी करता हूँ और फिर इसके बाद मेरी यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है। खैर, इस समय तो मैं डोंबिवली जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे सामने पथरी पुल है कल्याण का, जो अभी भी बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यात्रा शुरू हो चुकी है। काफ़ी पुराना पथरी पुल था ये और ये जर्जर हो चुका था और हाल ही में इसे बना करके आम जनता के लिए खोला गया है। सामने आप देख सकते हैं इमारतें, पहले इस तरफ जो है पहाड़ हुआ करते थे, इंजरों ने यहाँ पर तो कब्जा कर लिया है। कॉन्क्रीट का जंगल यहाँ पर भी काफ़ी होता है, काम भी चलता था, अब शायद बंद हो चुका है। आस पास इमारतें आ गई हैं, हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और अब हम धीरे धीरे ठाकुरली की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि ठाकुरली में यह गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा यह तेज़ गाड़ी है, यानी फास्ट ट्रेन है। तो ये देखिए एक मालगाड़ी है जिसको स्टील लगा हुआ है और ये अपने आप में एक ऐसा नज़ारा है कि आप ये कह सकते हैं कि सामने कॉन्क्रीट का जंगल है और यह अमूमन यहाँ पर मालगाड़ी कभी रुकती नहीं है। समस्या है ट्रैफिक हो सकता है कल्याण जंक्शन, मैंने पहले कहा है अभी बेस्ट रेलवे स्टेशन है, हमारी गाड़ी में रफ्तार पकड़ लिए देखिए सामने भारतीय
पर भी कह सकते हैं। यहाँ पर पहले चावल की खेती होती थी, ये सारी खेत थे, लेकिन शहरों का विकास होने लगा, शहरों के विकास का दायरा बढ़ने लगा, शहरों का दायरा बढ़ने से सारे के सारे खेत गायब हो चुके हैं और यहाँ पर कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है। इमारते हमारी गाड़ी थोड़ी रफ्तार में काफ़ी छोटी लाइन बन चुकी है, ये एक्सप्रेस समान गाड़ियों की नहीं बनाई गई है, और अब हम धीरे धीरे खाते भी जमीन की तरफ बढ़ गए, जमीन पर इसमें खाते स्टेशन जो है आ चुका है, गाड़ी थोड़ी रफ्तार में निकल गया काम चालू है, ये देखिए डोलबरी डोल भी, और ये आ गया प्लेटफॉर्म नंबर 5। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।